और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता दें कि ईडी के खिलाफ जी हां लगातार जो समन भेजा जा रहा है, आज अहम सुनवाई अर्जी पर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए, तो हाईकोर्ट में ये पूछा गया, पेश होंगे तो पता चलेगा कि आखिर ईडी क्या चाहती है, क्योंकि ईडी की तरफ से बार बार समन भेजा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे दिल्ली हाईकोर्ट में। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए। हाईकोर्ट में कहा गया कि अगर पेश होते तो पता चलता ईडी क्या चाहती है। दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पूरे मामले को लेकर 22 अप्रैल को होगी। वहीं हमारे सहयोगी दीपक फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। दीपक, अब हाईकोर्ट में ये कहा गया, इसके बहुत मायने हैं, क्या आगे कदम उठाया जाएगा कि क्यों नहीं जाते हैं अरविंद केजरीवाल समन पर, अगर जाएंगे तभी तो पता चलेगा ईडी क्या चाहती है। जी, अभी कुछ समय पहले ही हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म हुई है। ईडी से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है ईडी को कि आखिर ईडी क्यों अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, क्या कुछ तथ्य, क्या कुछ सबूत शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के पास है, जिसकी वजह से 9 बार समन भेजा गया है। वहीं जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उनकी तरफ से यह दलील दी गई कि यह जो समन भेजा जा रहा है वो गैरकानूनी है, गलत तरीके से भेजा जा रहा है, और ऐसे में अगर ईडी पूछताछ करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले सुरक्षा के बारे में कहा गया कि उन्हें किसी भी तरह से गिरफ्तार ना किया जाए, और यहां तक कि सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं है, वो कहां भाग सकते हैं, वो समाज में जिस तरह से लोगों का रूट रहा है, जुड़ाव रहा है, उसी तरह से उनका जुड़ाव रहा है, तो वो कहीं भी भागने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो कहीं भागने वाले हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाए कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहीं कोर्ट को यह बताना होगा ईडी को 2 हफ्ते में कि आखिर किस बाबत यह पूछताछ करना चाहती है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जिस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की एजेंसी के द्वारा गिरफ्तारी हुई, तो संभवतः अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, यही वजह है कि उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया हुआ है। यहाँ तक कि बेंच ने यह पूछा कि आप देश के नागरिक हैं, समन आपके नाम पर है, तो आप पेश क्यों नहीं होते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि इसी तरह इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इन्हें पहले तो गिरफ्तारी से छूट दी जाए, या फिजिकली या फिर वर्चुअली अरविंद केजरीवाल पेश होने के लिए ईडी के समक्ष तैयार है। वहीं कोर्ट ने यह पूछा कि अब तक इस पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो ईडी के तरफ से यह कहा गया कि इसमें कई सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और जो हमें पूछताछ में और जांच में पता चला है कि अरविंद केजरीवाल की इसमें कुछ संलिप्तता है, तो इस मामले में उनसे हमें पूछताछ करनी है। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई करेगी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर। आपको बता दें कि कल ही अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया था, क्योंकि 17 तारीख को 2 समन ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को भेजे गए थे, पहला जल बोर्ड घोटाला मामला, दूसरा 21 तारीख यानी कि कल के लिए ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती थी, तो 17 तारीख को 2 समन थे, जल बोर्ड घोटाला मामले में वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, कल उन्होंने शराब नीति घोटाला जो कल ईडी के समक्ष पेश होना है समन पर, उसको लेकर उन्होंने कभी एक बात जरा समझा दें, अब 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, तो क्या इस बीच अब कोई समन जारी नहीं किया जाएगा ईडी की तरफ से? जी, इस पूरे मामले में ईडी समन जारी कर सकती है, हालांकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि राउत जर्नी कोर्ट में भी मामला था, तब भी ईडी ने समन जारी किया हुआ था, लेकिन अब 2 हफ्ते का वक्त है, तो अब देखना होगा कि 2 हफ्ते में पहले तो ईडी अपना जवाब बिल्कुल 2 हफ्ते में क्या आगे रुख होगा ईडी की तरफ से भी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी, ये देखना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।